सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक पहल करते हुए संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मोटिवेट करने व उनमें उत्साह लाने, साथ ही किसी प्रकार की भ्रांति को दूर करने पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास आयोजित की गई। कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन, सीए संतोष जैन की उपस्थिति में यह विद्यार्थियों ने अपने अपने विचारों को साझा किया। जैसा कि पीडी के बारे में तो इतने सारे लोग ने बोल ही दिया और ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, तो हमने ये बताना है कि हमने पीडी से क्या सीखा। तो मैं तो ऑब्वियसली मतलब बोल लेता हूँ, मगर एक थोड़ा कॉन्फिडेंस ये रहता है कि पहले दो तीन लोग आए फिर हम लोग बोले, तो वैसा है। तो मेरे लिए चीज़ ज़रूरी थी पीडी में सीखना कि आगे बढ़ के कैसे बोले, और फर्स्ट क्लास में कि सर ने सिखाया कि ओपनली कैसे बोले। तो और सेकेंड क्लास मैं वैसे अटेंड नहीं किया था तो उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, मगर फर्स्ट क्लास में सर ने बताया था कि दो तीन बुक्स बताई थी, एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और थर्ड क्लास में कि सर ने बताया था कि दूसरों को अप्रिशिएट कैसे करें, उनकी क्वालिटी कैसे बताएं, तो वो चीज़ भी बहुत हेल्पफुल थी, दूसरों को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। और फोर्थ क्लास में आप इतना ओपन भी अच्छा, बैकग्राउंड इतना बढ़िया है, सीन इतना अच्छा है, और अपन ने बहुत सारे गेम्स खेले, इररेलेवेंट आंसर्स, अंताक्षरी, दमशराश, तो ये सब बहुत हेल्पफुल होता है पीडी में। थैंक यू सर, वेरी गुड, सब हमारे स्पीकर से मानना पड़ेगा। साइंस वाले सबको गुड मॉर्निंग, मेरा नाम चैतन्य साहू है। जैसे सचदेवा सबको पीटी क्लास प्रोवाइड करा रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, सबके सामने जल्दी खुल नहीं पाता हूँ। सर ने फर्स्ट क्लास बताया था कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए लोगों को। सेकेंड क्लास में बताया कि सर दूसरों की अप्रिशिएट कैसे करें, अगर आप दूसरों की अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ हम में आती है। और जैसे तीसरे क्लास में हुआ ये कि सर हम लोगों ने गाना गाया थोड़ा सा खुले, और चौथी क्लास में सर हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ की और थोड़ा हमारा माइंड थोड़ा एक्टिव हुआ कैसे रहना चाहिए। थैंक यू, वेरी गुड। जैसे कि भाई ने बताया, मैं भी पहले इंट्रोवर्ट था, मतलब अभी भी हूँ, आई जस्ट डोंट लाइक टॉकिंग इन जनरल। सर ने लेकिन बताया कि लोगों से मिलो जुलो, खुल के बातें करो। मैं पहले वही सोचता था, सर ने एग्जैक्ट पॉइंट्स बताए थे पिछली क्लास में कि लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में सोचना नहीं है, बस खुद के बारे में सोचना है, खुद को डेवलप करना है, खुद के बारे में एनहेंसमेंट करना है, खुल के बोलना है। वही मैं कभी कभी बोलता नहीं था, फिर घर जाके रिग्रेट होता था कि अरे बोल देना था, जैसे कि सर ने क्लास में बताया था वैसा ही। सो यस, आई रियली अप्रिशिएट यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द फैकल्टीज, थैंक यू सर। बोलो। गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। जैसे कि मैंने पीडी की अभी तक से चार क्लासेस हो चुकी है, उसमें से सिर्फ दो ही अटेंड करी है, उसमें से भी बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। मेरा बोलने का जो था प्रॉब्लम था, पहले से ही अटक अटक के बोलता था, वो सब में क्लियरिटी आ रही धीरे धीरे, पब्लिक में जाके बोलना सीख रहा हूँ धीरे धीरे, सब हो रहा है। मेरा नाम समीक्षा मिश्रा है। मैं सबसे पहले सचदेवा के डायरेक्टर चिरंजीव जैन सर का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने रेगुलर क्लासेस के साथ हमारे संडे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी क्लास रखी, जो हमारे लाइफ में बहुत यूजफुल होने वाली है, जिससे हम अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, मतलब कैसे बोलना है, अपना कॉन्फिडेंस मतलब हमारे से बढ़ रहा है। तो थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज तान्या। एक्चुअली हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सर ने कहा था कि मैंने 1 करोड़ की बात बताई, ये मेरे लिए सही साबित हुआ। जब मेरा अपनी मम्मी का मतलब उन्हें बोला वाह मम्मी सच में कितना अच्छा खाना बनाया था, मेरी मम्मी आज संडे में मेरे लिए आलू पकौड़े ब्रेड पकौड़ा बनाई थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा हाँ सच में 100 करोड़ की बात है, मैंने तो सिर्फ मम्मी को पाया, अगर मैंने बाकी को भी कहती तो शायद तक ये मेरे लिए रिजल्टेड होता कि हाँ ये 100 करोड़ की बात है, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम जैसे थैंक यू डायरेक्टर ऊपर, हम लोग को इतना सारा स्टडीज में जो स्ट्रेस रहता है वो भी दूर हो जाता है यहाँ आने से, यानी मुझे अच्छा फील हुआ। जो भी हमारे पढ़ाई में जो रेगुलर क्लासेस होता है उसको संडे के बीच में आपने यहाँ बुलाया, और हम लोग ये सब इंजॉयमेंट गेम्स में मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स, क्योंकि पढ़ाई से फिर यहाँ हम लोग यहाँ गेम्स खेले, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और ये जो संडे है जो हम लोग घर में बैठ के ऐसे ही निकाल देते हैं, उससे हम लोग कुछ सीखने के लिए मेरा कॉन्फिडेंस आया अंदर से कि हाँ, जैसे हमने पहले गेम खेला दमशराज, उसमें कॉन्फिडेंस आया हाँ कि हम सामने वाले को कैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इशारों से ही।
और जैसे सर अभी फास्ट में कुछ भी वर्ड बोल रहे हैं, यानी हम लोग के माइंड अगर सेट है तो वो गेम हम अच्छे से खेल सकते हैं। और जैसे हम लोग हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट है गेम पे, तो फिर अगर जो सर बोल रहे हैं हम लोग का पूरा ध्यान उधर रहेगा। थैंक यू। माय नेम इज काव्या प्रदीप और मेरे को पीडी क्लास बहुत अच्छी लगी। पर्सनालिटी डेवलप हो रही है मेरी धीरे धीरे। मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी पहले, तो अभी थोड़ा ठीक हो रहा है। पहले स्टेज फियर भी था बहुत, तो अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और फर्स्ट क्लास में सर ने इंट्रोडक्शन करना सिखाया था, वो भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। खुशी सवाल है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो क्लास है, तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जैसे इसमें सिखा रहे हैं कॉन्फिडेंटली बोलना,